तो मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं सेफ्टी के लिए और हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि यहाँ हमें कितना पे करना पड़ा, क्या कॉस्ट थी यहाँ पे आने की। क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हम लोग में से सोचते हैं जाएंगे कभी रिजॉर्ट में या 5-स्टार होटल में, लेकिन हम लोग नहीं जाते हैं सोच के कि बहुत महंगा होगा। लेकिन ये एक्चुअली इतना महंगा है नहीं। आप अगर आपको पता है कि कैसे बुक करना है, क्या बुक करना है और आपको सही डिस्काउंट्स या सही डील्स लेना आता हो तो फिर इतना महंगा नहीं पड़ता। जैसे आजकल वैसे भी सारे रिजॉर्ट, सारे बिजनेस काफ़ी टाइम से बंद थे और वेट कर रहे थे खुलने का। तो सब चाहते हैं कि लोग वापस आएं और ये डर ख़त्म हो। इसीलिए आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती हैं जो आपको, जैसे मान लीजिए पिछले साल जो रूम आपको 20,000 में मिलता था वो आपको 10,000 में मिलेगा, जो आपको 10 में मिलता था वो 5 में मिलेगा। आप खुद चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा होटल्स बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑफर्स भी दे रहे हैं, जैसे आपको मील्स खाना फ्री इंक्लूडेड हो जाता है, या कुछ स्पेशल आपको पैकेजेस या अमेनिटीज़ चाहिए तो वो भी साथ में मिल जाएंगी। तो डिटेल्ड कॉस्ट हम आपको एक और वीडियो में कवर करेंगे कि आप कैसे बचा सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप चाहें तो ये बहुत ही एक अच्छा टाइम है ये सारी जगहें एक्सप्लोर करने के लिए। और 5 स्टार के वो 5 स्टार के मेन वन ऑफ द मेजर कॉस्ट जो होता है वो होता है फूड। तो अगर फूड आपका कवर हो सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि स्टेकेशन है राइट, तो आप बाहर ऐसा तो है नहीं कि आप बाहर जाके घूमेंगे या बाहर कहीं आप छोटी जगह से किसी किसी स्ट्रीट फूड से कहीं से खाना चाहेंगे या प्रेफर करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप ऑल मील्स इंक्लूडेड पैकेजेस लें, जो कि हमने भी लिया था, तो हमें काफ़ी काफ़ी सस्ता पड़ा उस वजह से। और वीडियो के एंड में हम ज़रूर शेयर करेंगे कि अब एग्जैक्टली हमको कितना कॉस्ट पड़ा इसका और क्या डील्स हम ले सकते हैं, वो एक डिफरेंट वीडियो है।